एप्पल का नया iOS 15 लॉन्च हो गया है और उसमें कुछ नए यूनिक फीचर हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है नए यूनिक फीचर्स। तो जो पहला फीचर आपको मिलेगा वो है स्पेटियल ऑडियो। क्या है स्पेटियल ऑडियो कि मान लीजिए आप किसी ग्रुप चैट एप्लीकेशन में हैं, जैसे कि FaceTime या फिर Zoom, तो उसमें क्या होगा कि मान लीजिए आपकी जो चैट है उसमें 3-4 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उस टाइम पे जिस भी डायरेक्शन में कोई पार्टिसिपेंट होगा स्क्रीन में, जहां पर व्यू आपको दिख रहा होगा, आवाज़ आपको वहीं से आती हुई नज़र आएगी। तो ये थोड़ा यूनिक है और साथ साथ अब FaceTime आप एंड्रॉयड पर भी यूज़ कर पाएंगे। जो दूसरा नया फीचर आपको iOS 15 में मिलेगा वो है शेयर प्ले। शेयर प्ले क्या है कि मान लीजिए आप किसी ग्रुप चैट एप्लीकेशन में हैं, जैसे कि FaceTime, तो उस एप्लीकेशन में 5-6 पार्टिसिपेंट्स अगर आपके साथ हैं और आप चाहते हैं कि आप सब लोगों के साथ एक साथ म्यूज़िक एंजॉय कर पाएँ, तो आप अपना म्यूज़िक प्ले कर पाएंगे और साथ ही साथ वही सेम म्यूज़िक उन सब लोगों की स्क्रीन या फिर डिवाइस पे प्ले हो जाएगा। साथ साथ यही काम आप मूवीज़ के साथ भी कर सकते हैं कि आप अपनी मूवीज़, टीवी शो जो भी है एक साथ एंजॉय कर पाएंगे और सारे लोग उसको देख पाएंगे, और इसको आप एप्पल टीवी पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो काफ़ी यूनिक है और काफ़ी सही फीचर है। तो ये आपको मिलेगा iOS 15 में, और साथ साथ इसके साथ ये है कि आप जितनी भी सपोर्टेड एप्लीकेशंस हैं उनमें भी इनको सपोर्ट मिल जाएगा, जैसे HBO Max, TikTok, Pluto, Twitch, Disney। तीसरा नया फीचर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड नोटिफिकेशन, जिसको एप्पल ने नाम दिया है फोकस असिस्ट के नाम से। इसमें क्या होगा कि जो भी एप्लीकेशंस की जो नोटिफिकेशन आपको आती हैं, सिस्टम ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उसको सेपरेट कर देगा जो नोटिफिकेशन प्रायोरिटी बेस्ड हैं। जैसे कि आप किसी से चैटिंग कर रहे हैं तो वो प्रायोरिटी के हिसाब से वो टॉप पर आ जाएगा, और बाकी जो कम इम्पॉर्टेंस वाली एप्लीकेशन है वो अपने आप नीचे चली जाएंगी। तो इस तरह से चैट वाली एप्लीकेशंस जो प्रायोरिटी बेस्ड हैं वो ऑटोमेटिकली फोकस में रहेंगी। और साथ साथ इसमें ये भी है कि आप अपने सिस्टम को फोकस मोड में चेंज भी कर सकते हैं कि आपने उसको साइलेंस कर रखा है नोटिफिकेशन को, तो कोई बंदा आपको परेशान ना कर पाए, तो उस हिसाब से आप अपनी प्रायोरिटी भी चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी यूनिक है ताकि लोग परेशान ना हो और ना ही किसी को परेशान करें। चौथा फीचर जो आपको iOS 15 में मिलेगा वो है लाइव टेक्स्ट। और माने या ना माने, ये जो लाइव टेक्स्ट फीचर है ये पूरी तरह से गूगल लेंस का कॉपी है। जैसे कि आप गूगल लेंस को यूज़ करते हैं किसी भी टेक्स्ट की तरफ पोजीशन करके और उसको स्कैन करते हैं, तो सारे करेक्टर जो भी स्क्रीन पर है, जो भी उस फोटो में है, आप उसको कॉपी कर सकते हैं। अगर वहाँ कोई फ़ोन नंबर है तो आप उसको वहाँ डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर अब आपको लाइव टेक्स्ट फीचर में iOS 15 में भी मिल जाएंगे। तो अब लाइव टेक्स्ट के थ्रू आप किसी भी फोटो में कुछ भी कॉपी कर सकते हैं, कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं और उसको डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। अगर वहां पर कोई फ़ोन नंबर है तो आप डायरेक्टली वहां से उसको कॉल भी कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी स्क्रीन पर एक फ़ोन नंबर दिख रहा है और इसको अगर सिलेक्ट करें तो डायरेक्टली यहां से उसको इस रेस्टोरेंट को कॉल किया जा सकता है। तो इस तरह से लाइव टेक्स्ट फीचर काम करेगा। बेसिकली ये गूगल लेंस का ही रिप ऑफ है, तो ये पूरी तरह से गूगल लेंस का एक कॉपी है। तो कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है, लेकिन iOS 15 में ये फीचर आपको मिल जाएगा और अभी ये कुछ लैंग्वेज में ट्रांसलेशन भी सपोर्ट करता है। अगला नया फीचर जो आपको मिलेगा iOS 15 में वो है नई वेदर एप्लीकेशन। नई वेदर एप्लीकेशन जो है थोड़ी सी डिफरेंट है पुरानी वेदर एप्लीकेशन से, क्योंकि यहाँ पर आपको जो एनिमेशंस हैं वो बहुत डिफरेंट मिलने वाले हैं और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डेटा का या फिर वेदर का वो बहुत ही डिफरेंट है। तो ये थोड़ा सा पूरी तरह से यूनिक है और पूरा सा उसको चेंज कर दिया है। तो इस बार का वेदर एप्लीकेशन पहले से काफ़ी बेहतर है। अगला नया फीचर जो iOS 15 में आपको मिलेगा वो है नई एप्पल मैप एप्लीकेशन। जैसे कि आपको पता ही होगा, जब से एप्पल ने TomTom मैप्स को ख़रीदा है और उसका नाम कर दिया है एप्पल मैप्स, तो गूगल मैप्स की जगह अभी एप्पल अपनी सारी डिवाइसेस पर एप्पल मैप्स यूज़ करता है और अब उसको उसने चेंज कर दिया है। उसमें कुछ 3D व्यू भी ऐड कर दिए हैं, जैसे कि आपने पहले गूगल मैप्स में देखे ही होंगे, काफ़ी टाइम से गूगल मैप्स में अवेलेबल हैं 3D व्यू, तो उस तरह के 3D व्यू अब आपको एप्पल मैप्स में भी देखने को मिलेंगे। साथ साथ कुछ पॉइंट्स में अगर मैं कहूँ तो इसको एप्पल ने गूगल मैप से काफ़ी अच्छा बनाया है। जैसे कि जो 3D व्यू है वो गूगल मैप्स के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा दिखता है और नाइट व्यू बहुत अच्छा है, और साथ साथ जो नेविगेशन है 3D व्यू में वो गूगल मैप से काफ़ी बेहतर है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस तरह अगर नेविगेशन करते हुए आप जा रहे होंगे और कहीं रास्ते में आपको कोई फ्लाईओवर मिलेगा, तो 3D व्यू में आपको क्लियरली वो फ्लाईओवर के ऊपर नीचे का व्यू क्लियरली शो होगा और ये देखने में काफ़ी यूनिक है। तो ये बहुत ही डिफरेंट है और ये गूगल मैप से काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये था कुछ नए फीचर जो आपको iOS 15 में मिलने वाले हैं।
आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।